Hey guys, what's up? This is your member Smith Pitani. Guys, I'm back again with a new video. Guys, I hope you all are doing absolutely great. तो guys, आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं. तो yes guys, आज हम करने वाले हैं फुल रिव्यू ऑफ जावा 42. लेकिन उससे पहले आज है सेकेंड डे और कल हम गए थे लेने डिलीवरी ऑफ जावा. तो जब हम जावा पहुंचे तो उन्होंने हमें बताया कि आप यहाँ पे शूट नहीं कर सकते. तो हमने क्या किया, हमने जावा का डिलीवरी वहाँ से लिया. बट मैं पहले आपको बता दूं कि वो बाइक मेरी नहीं है, मेरे मामा की है. तो हाँ, तो हमने जावा का डिलीवरी लिया, पहले आप वो वीडियो देखो. तो गाइस, डिलीवरी लेने के बाद हम सीधा गए मंदिर में और हमने अपने बाइक की पूजा करवाई. तो या गाइस, तो कल घर पे बजते बजते रात हो गई थी, इसीलिए हमने शूट नहीं किया. तो ये जो भी शूट कर रहा हूँ मैं, आज सेकंड डे पे ही कर रहा हूँ. तो या गाइस, तो हम चलते हैं बाहर एंड हम फुल रिव्यू करते हैं ऑफ जावा 42. तो या लेट्स गो. आज है सेकेंड डे. तो एक्चुअली हुआ ऐसा कि जब हम घर पे पहुंच रहे थे तो पहुंचते पहुंचते हो गई थी रात, तो हमने कुछ भी शूट नहीं किया था. तो आज हम फुल रिव्यू करेंगे ऑफ जावा 42. तो हमारे साथ है नितिन भंडारी, को ओनर. या तो आज हम फुल रिव्यू करेंगे ऑफ जावा 42. और स्टार्ट करने से पहले जावा के रिलेटेड एक छोटा सा स्टोरी है. जब जावा रीलॉन्च हुआ था इन नवंबर 2018 में, तब जावा ने अपने फर्स्ट 13 जो मोटरसाइकिल थे उसका ऑक्शन किया था फॉर चिल्ड्रन, फॉर हेल्पिंग एंड ऑफ चिल्ड्रन. जो सोल्जर, जो जवान मर गए थे उनके बच्चों को हेल्प करने के लिए. तो वो बहुत प्राउड मोमेंट है जावा की तरफ से. तो या गाइस, तो हम इसका फुल रिव्यू स्टार्ट करते हैं. तो आर यू रेडी अंकित? तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं फुल रिव्यू ऑफ जावा 42. तो ही इज ओनर ऑफ दिस बाइक, तो इसने ऑब्वियसली पूरा होमवर्क किया रहेगा. तो हम सब इससे पूछेंगे कि बाइक के बारे में क्या क्या है. तो हम स्टार्ट करते हैं. तो यस अंकित, हम कहाँ से स्टार्ट करें बताओ? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टायर. हाँ, तो हम टायर से स्टार्ट करें. सो या, तो कमिंग टू द फ्रंट टायर, इसमें मिलते हैं हमें MRF के 18 इंचेस के टायर एंड रियर में हमें मिलते हैं 17 इंचेस के टायर एंड एनीथिंग एल्स सर? हाँ, तो टायर, आई फील कि अगर टायर पीछे का थोड़ा मोटा होता तो और थोड़ा प्रीमियम लुक आता. हो सकता है. क्या लगता है? हाँ. हो सकता है. है सफिशिएंट मोटा है, बट आई फील कि थोड़ा अगर और ज़्यादा होता तो प्रीमियम लुक आता था, है ना? थोड़ा पिकअप में प्रॉब्लम होता है, जितना मोटा उतना स्लो गाड़ी. सो मे बी. ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम देखेंगे डिस्क ब्रेक, राइट? हाँ, तो हम डिस्क ब्रेक वो देखते हैं. सो कमिंग टू द डिस्क ब्रेक, हमें फ्रंट में 280 mm के डिस्क ब्रेक मिलते हैं
एंड बैक में इट्स 153 mm का डिस्क ब्रेक। अच्छा, तो मैंने तो सुना है कि जावा में पीछे डिस्क ब्रेक नहीं आता है। हाँ, वो भी नहीं आता है, ड्रम भी अवेलेबल है, बट दिस इज़ द सेकेंड वर्जन। मतलब हमें इसमें दो आते हैं, वो ऑप्शन होता है कि अगर ड्रम लेना है तो ड्रम या तो फिर डिस्क। सो इसमें हमको 10,000 ज़्यादा पे करना। अच्छा, हमें पे भी ज़्यादा करना होता है। यस। अच्छा, तो गाइज इसमें दो वेरिएंट आते हैं, वन इज ड्रम एंड वन इज डिस्क। हाँ, तो अगर आपको ड्रम चाहिए तो ड्रम भी ले सकते हो, इसमें आप अपना पैसा सेव कर सकते हो। बट अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जावा बाइक ले रहे हो तो डिस्क ब्रेक भी ले ही लो, बिकॉज 10,000 अगर जावा ले रहे हो तो कोई तंगा या तो हाँ, तो पीछे अगर आप ड्रम भी ले सकते हो, डिस्क भी ले सकते हो। गाइज हम बढ़ते हैं थोड़ा भी ऊपर और अब हम देखेंगे सस्पेंशन। तो इसमें हमें कौन से सस्पेंशन मिलते हैं? तो सस्पेंशन की ओर आते हुए हमें आगे मिलते हैं हाइड्रोलिक सस्पेंशन एंड पीछे भी हाइड्रोलिक, बट आगे जो है वो है टेलीस्कोपिक एंड पीछे जो है वो है गैस कैनिस्टर। तो गाइज हम बात करते हैं इसके हेडलाइट के ऊपर। तो आप सभी को पता है कि 2018 से AHO सिस्टम कंपलसरी हो गया था इंडिया में। AHO सिस्टम मतलब ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन। तो हाँ गाइज, इसमें भी AHO सिस्टम है। तो अगर इसकी बात करें लाइट की, तो इसमें आपको मिलता है हेलोजन लाइट। और जो स्पेशली मुझे बात अच्छी लगी वो है इसके साइड लैम्प, जो बहुत छोटे छोटे एंड बहुत क्यूट लग रहे हैं। जब वो लाइट रात में जलती है तो बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर हमें मौका मिला तो हम वो भी शूट करके आपको दिखाते हैं। गाइस हम बात करते हैं स्पीडोमीटर की। सो इसमें हमें मिलता है एनालॉग एंड डिजिटल स्पीडोमीटर, जिसमें हमें कूलेंट टेम्परेचर वार्निंग लाइट मिलता है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम का लाइट मिलता है, न्यूट्रल लाइट मिलता है, चेक इंजन लाइट मिलता है, टर्न सिग्नल इंडिकेटर लाइट मिलता है, फ्यूल टैंक रिजर्व लाइट इंडिकेटर है एंड हाई बीम लाइट भी है। देन कमिंग टू बैटरी लाइट भी अवेलेबल है इसमें। एंड सबसे मेन बड़ा चीज़ जो है वो है किलोमीटर भी हमें मालूम पड़ता है। और गाइज इस स्पीडोमीटर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिलती है, अगर कंपेयर करें रॉयल एनफील्ड से, सॉरी रॉयल एनफील्ड नो ग्रजेस, बट या हमें इसमें मिलता है फ्यूल इंडिकेटर। यस। सो कमिंग टू द इंजन, इसमें हमें मिलता है 293 cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक इंजन, जो मैक्स पावर 27 bhp का एंड मैक्स टॉर्क 28 nm का प्रोड्यूस करता है। एंड इसमें हमें लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी मिलता है। एंड कमिंग टू द मेन प्रॉब्लम, हमें इसमें किक नहीं मिलता है, ओनली सेल्फ स्टार्ट। गाइज इसमें इंजन के बाजू में एक छोटा सा फैन भी मिल जाता है फॉर कूलिंग पर्पस। एंड जो मेन हाईलाइट है इस बाइक की, जो मेन हाईलाइट है वो है डबल साइलेंसर। यस, इस बाइक में है डबल साइलेंसर, आप देख सकते हो, बिकॉज इट्स फोर स्ट्रोक, तो इसमें आपको मिलेंगे दो साइलेंसर। तो ये मेरे को बहुत 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 ब्यूटीफुल चीज़ लगी। तो हम क्या करते हैं, हम बाइक स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट इसका फायरिंग इंप्रेशन देखते हैं। या चलो हम बाइक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। तो अंकित, जो ये बॉक्स दिख रहा है उसमें क्या है? बॉक्स में तो मैंने भी नहीं खोला अभी तक, चलो चेक करते हैं। हाँ, तो गाइज हम देखते हैं इस बॉक्स में क्या है, तो चलो देखते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे, हाँ, तो ये इसका बेस्ट पार्ट है कि अगर बॉम्बे पुलिस के पास एक छोटा सा ट्रिक है कि जब भी आपको कहीं भी पकड़ती है तो आपका सीधा चाबी ले लेती है, तो इसमें उनको पता ही नहीं चलेगा कि चाबी कहाँ पे है। तो आप ऐसा, लेकिन आप ऐसा काम ही मत करो जिससे वजह से पुलिस आपको पकड़े। या तो हम देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो इसमें तो हमें फर्स्ट एड मिलता है। तो गाइस इसमें हमें मिलता है फर्स्ट एड किट और सेकेंड है टूल किट। हाँ, ये मे भी टूल किट होगा। यस यस, हमें इसमें बस बस बस, थैंक यू थैंक यू। और ये क्या है? ये ABS के ICs है लगता शायद। तो गाइज इसमें हमें ABS के शायद से एक्स्ट्रा ICs भी मिल जाते हैं। तो या थम्स अप। तो गाइज हम जावा का हैंड्स ऑन इम्प्रेशन देखते कैसा है, तो इसके ऊपर बैठ के देखते। तो ज़रा कैमरा पकड़ो। तो गाइज बात करता हूँ मैं फर्स्ट इंप्रेशन की, तो बाइक बहुत कंफर्टेबल है। इस बाइक का हाइट है 45 inches और जो मेरा हाइट है वो है 5.8 feet। तो अगर मेरे से कंपेयर करो तो ये मेरा जो लेग ग्रिप है वो बहुत कंफर्टेबल है, आप देख सकते हो मेरे दोनों पैर ज़मीन पे बिल्कुल टच है। तो अगर आप 5.8 प्लस और उससे भी 2-3 feet नीचे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बाइक बहुत कम्फर्टेबल होगी। मुझे एक तकलीफ लगा वो है बाइक की सीट, जो थोड़ी अनकम्फर्टेबल है बाइक का सीट, जो यहाँ पे जो थाई ग्रिप है वो भी थोड़ा नहीं मिल रहा है। एंड या तो गाइस हम इस बाइक को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ठीक है, तो
अदरवाइज अगर बात करूँ एक्सपीरियंस की तो बहुत लीनियन बाइक है, मुझे थोड़ा सा भी वाइब्रेशन नज़र नहीं आया इसमें। जो मैंने एनफील्ड चलाया था उससे पहले उसमें धड़ 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 बहुत वाइब्रेट होता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी आपको वाइब्रेशन आपको नज़र नहीं आएगा। जब आप चलाओगे तभी आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगी। एंड अगर बात करूँ स्मूथनेस की तो बहुत स्मूथ बाइक है। एंड या गाइस, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत 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 अच्छा था। तो गाइस, जावा 42 में टोटल 6 कलर है, जो अपना है वो है हेलीस्टेल, एंड जो बाकी कलर्स है उसका नाम मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, तो आप जाके देख सकते हो। और मैं जावा ऑफिशियल का लिंक भी दे दूंगा, तो आप वो भी खोल के उसके स्पेसिफिकेशन देख सकते हो। तो या गाइस, ये था हमारा एक छोटा सा एक्सपीरियंस विथ जावा 42। तो या गाइस, मैं इसी के साथ अपना वीडियो एंड कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और अगर आप जावा रिलेटेड और भी वीडियोस चाहते हो, लाइक स्पीड टेस्ट ये वो, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। एंड मेरे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो आप। तो या गाइस, इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड कर रहा हूँ। तो दिस इज अवी बॉज विद विदानी हियर साइनिंग आउट। बाय बाय।